काले धन पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा हमला, 500 और 1000 रुपए के नोट बंद, पीएम मोदी ने किया सबसे बड़ा ऐलान। देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं, 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक सभी बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में जाकर बदले जा सकेंगे 500 और 1000 के नोट। 30 दिसंबर के बाद भी आरबीआई में जमा करने का आखिरी मौका। पांच सौ हजार के नोट जमा करने और 100 रुपए निकालने के लिए एटीएम पर जमा हुई भीड़, आज बंद रहेंगे बैंक्स। परेशानी के बावजूद आम जनता से लेकर विदेशों में बसे भारतीय फैसले से खुश। फैसले को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार। डॉक्टर चंद्रा ने कहा काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम। काले धन पर कड़े फैसले से राष्ट्रपति भी खुश, कांग्रेस ने उठाया फैसले पर सवाल। बीजेपी ने कहा आर्थिक सुधार की आगे भी जारी रहेगी लड़ाई, सिर्फ ममता बोली फैसले के खिलाफ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलरी क्लिंटन से फिर आगे निकले डोनाल्ड ट्रंप, मिले 128 इलेक्टोरल वोट, हिलरी को मिले 97 इलेक्टोरल वोट।